वेलकम बैक। तो अभी तक आपने द रैट ट्रैप में ये पढ़ा कि कैसे एक रैट ट्रैप पेडलर किस तरह से एक थॉट प्रोसेस में बिजी है, और उसके बाद कैसे वो क्रॉफ्टर से मिलता है, क्रॉफ्टर उसे अच्छा ट्रीटमेंट देता है, अपने पैसों के बारे में भी बताता है और सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अच्छे गुड मूड में ये लोग उठते हैं, दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं, बाय करते चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, यहां तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जैसे ये चला गया, हाफ एन आवर बाद क्या होता है, लेट्स सी दैट। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब वो जा चुका है और ये मुड़कर वापस आया, और हाफ एन आवर के अंदर ये दरवाजे के आगे खड़ा है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर अंदर घुसने की उसने कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, विंडो तक गया, स्मैश द पेन, पेन इज विंडो पेन, जो ग्लास लगा होता है विंडो पे, स्मैश द पेन, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner। उसने वहां जाते ही क्या किया, विंडो पेन स्मैश किया और 30 kroner का पाउच वहां से निकाल लिया और बहुत 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 खुश हुआ। ही टुक द मनी, थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने पैसा निकाला अपने पॉकेट में डाला। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उसने लेदर पाउच जो था वो अपने पास वापस रखा और चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। जैसे जैसे ये आगे चल रहा था, बहुत खुशी थी कि मैंने 30 kroner मेरे पास आ गए, मैंने संभाल लिए, और अपनी स्मार्टनेस से बहुत खुश हो रहा था। यहां जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है कि हाउ पीपल डॉज समवन। डॉजिंग जो है वो एक आर्ट है या एक फुलिशनेस है? क्यों आप किसको डॉच कर पाते हैं, आप किसको बेवकूफ बना पाते हैं? आपको पता है, हम उस इंसान को बेवकूफ बना पाते हैं जिसे, जो हमें मौका देता है बेवकूफ बनाने का। अगर मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगी तो मुझे कौन मेरे ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है? नोबडी, है ना। तो एक इंसान जब किसी को बेवकूफ बनाता है या किसी का ट्रस्ट ब्रेक करता है तो ये कौन, यू नो, यहां पर स्मार्ट, क्या उसको अपनी स्मार्टनेस पे खुश होने की जरूरत है? कोई स्मार्टनेस नहीं है, उसने यहाँ पर स्टुपिडिटी दिखाई, उसने यहाँ पर वर्स बिहेव किया कि सामने वाले ने आपको इतना भरोसा दिया था कि आप उसे तोड़ सके। अगर सामने वाला अलर्ट होता तो कोई भी स्मार्टनेस दिखाने का चांस ही नहीं मिलता किसी को भी। सो यहां पर ये जो वैल्यू है वो डॉजिंग है, एक बैड क्वालिटी, यू नो, कि इसको शुरू से अच्छा कोई नहीं मिला, इसने सोचा अच्छा है भी तो क्या करूं, मैं कहां से ध्यान दूं, यू नो। वो आगे निकला और चला गया और उसने उसके ट्रस्ट को रिपोज नहीं किया, उसके कॉन्फिडेंस को रिपोज नहीं किया। Did the peddler respect confidence reposed in him? क्या उसने उस confidence की respect रखी जो किसने show किया था? Crofter ने show किया था rat trap peddler पे। No, he had not kept that respect. जो भी था उसने उसे ditch किया और वहां से निकल गया। यानी कि यहां पर smartness उसकी नहीं है, foolishness यही है कि उसने ट्रस्ट बहुत ज्यादा किया क्रॉफ्टर ने। सो ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। अब साथ ही साथ उसे ये रियलाइज हुआ कि भाई घर पहुंचते ही वो शोर मचा देगा और मेरा तो हुलिया ऐसा है कि हर कोई मुझे पहचान जाएगा, ऐसा करता हूँ रोड नहीं पकड़ता, वुड्स के थ्रू होके चला जाता हूँ। तो वुड्स क्या है, फॉरेस्ट, वो वहां से होकर जाने लगा। ये क्वेश्चन भी आता है आपको यहाँ पर, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा कि किस तरह से ही
didn't respect Crofter's confidence या faith. Crofter की faith को उसने कैसे respect नहीं किया. Question number 7 यहाँ पे ये बनता है कि why did he take the root of woods? उसने woods का रास्ता क्यों लिया. यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा तैयार होता है. He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. During the first hours this caused him no difficulty. तो पहले कुछ hours में तो उसको कोई difficulty नहीं हुई. Later in the day it became worse for it was a big and confusing forest which he had gotten into. So बहुत ही बिग और बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जहां पर वो एंटर हो चुका था और रास्ता भूल गया. जितना ट्राई करता था उतना ही वो सेम जगह पे आके रुकता था. तो ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो क्या करता था उसने ट्राई किया बहुत ट्राई किया एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाने का. पाथ आपस में ट्विस्टेड बैक थे और उसने बहुत कोशिश की वॉक एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कि मैं फॉरेस्ट के उसी पार्ट पे ही मूव कर रहा हूं. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. उसी समय उसे अपना thought याद आया जो पीछे था जब वो दूसरों के लिए खुश था. अरे मुझे क्या है चिंता करने की मैं थोड़ी फंसा हुआ हूँ ये लोग फंसे हुए हैं मैं तो फ्री हूँ मेरे ऊपर तो कोई लाइबिलिटी नहीं है मैं तो किसी चीज का मुझे कोई वो शौक नहीं है मुझे तो अपनी बॉडी एंड सोल इकट्ठी रखनी है बस आई जस्ट नीड टू स्टे अलाइव. और इन सब चीजों के चलते उसके दिमाग में अब जाकर ये बात आई कि मैं भी बेट के चक्कर में फंस गया और मैं भी अब एक रैट हूं जो 30 क्रोनर्स जिसका बेट था अब वो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में आके फंस गया. अभी तक उसको छोटी मोटी चोरियां करता था जो बॉदर भी नहीं करती होंगी शायद किसी को कहीं से तार उठा ली कहीं से तार उठा ली यहां से खाना उठा लिया. अब क्या है उसे चिंता है कि अब पता नहीं वुड से बाहर निकलूंगा भी या नहीं निकलूंगा. पहले पुलिस से बचने के लिए भागा था अब यहां से जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं. सो लाइफ हमको हमेशा हमारे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करती है. उसका आंसर करने का जो तरीका है वो उसी सिचुएशन में डालकर हमको बताना होता है. स्ट्रेट तो आपसे बात कर नहीं सकती है लाइफ. तो ये एक वे था दिस वॉज द वे ऑफ लाइफ टू टेल समवन हाउ वन फील्स इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन और कंडीशन. और अब इस कंडीशन को देखने का जो तरीका है वो आप उसी में फील करके ही बता सकते हो. सो ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप. नाउ हिज ओन टर्न हैव कम. अब बारी उसकी थी. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी अपनी टर्न थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट. उसने अपने आप को बेवकूफ बनने दिया और चारे से और पकड़ा गया मतलब इस सिचुएशन में ट्रैप हो गया. अभी किसी ने उसको पकड़ा नहीं है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स ब्रांचेस थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. इम्पेनिट्रेबल प्रिजन एक ऐसी जेल जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यहां से वो बिल्कुल भी नहीं भाग सकता. ये सोचकर उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मैं अपने ही थॉट प्रोसेस में ट्रैप हो गया मैं भी एक अपना एक ट्रैप में फंस गया. सो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कैसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ हिज थॉट बेकॉन्ड टू
him. ठीक है, back in him. उसको कैसे उसका thought वापस उसको याद आया, किन conditions में आया, ये question यहाँ पे पूछा जा सकता है. और वाकई क्या ये उसका rat trap था या नहीं था. अब ये जो time था December का था, Sweden ठंडा एरिया है. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. देखो ये कहानी जो इस थीम में सेट की गई है, जो बैकग्राउंड में सेट की गई है, ठंडा महीना, दैट मींस विंटर सीजन, जो कि कहीं ना कहीं डेथ डिके का सिंबल होता है, वहीं एक कोल्डनेस इन योर थॉट्स उसका भी सिंबल होता है. व्हेन वी डू नॉट बॉदर अबाउट समबडीज यू नो इमोशंस और अदर थिंग्स, अपने आप से मतलब होता है, तो विंटर सीजन उस चीज को भी इंडिकेट करता है. बहुत अच्छे एक राइटर ना, इतना कुछ सोच के इतनी इतनी अच्छी चीजों को प्लान करता है, लिखता है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. सो यहां पर डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ रही थी, वैसे वैसे ग्लूम इज सैडनेस और डिस्पेयर, वो सरेंडर करता चला जा रहा था अपने आप को कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. ग्लूम सैडनेस, अंधेरे के साथ साथ उसके अंदर का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वहीं पर बैठ गया, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. अब उसे लगा कि मेरा लास्ट मोमेंट आ गया. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना हेड ग्राउंड पे रखा, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग. थंपिंग होता है ना, जोर जोर से हथौड़ा मारने की आवाज. उसको एक साउंड सुनाई दिया जो कि थंपिंग साउंड था, जैसे कोई लगातार किसी चीज पे हैमर से हिट कर रहा है. देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, इसमें डाउट नहीं था क्योंकि वो आवाज किसकी थी, लोहे को पीटने की. ही रेज हिमसेल्फ, क्योंकि उसे पता था, क्राफ्टर से पता चला था, पास ही में आयरन मिल है रामजो नाम की. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और इसने अपने मन में सोचा ये तो हैमर स्ट्रोक के साउंड हैं जो आयरन मिल से आ रहे हैं. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि जरूर कुछ यहाँ पे लोग होंगे. ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, मतलब समंड तो वैसे लीगल कॉल होती है, लेकिन पूरी ताकत लगा के वो उठा, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ ये उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया. तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये आ सकता है कि कैसे ही केम टू नो अबाउट आयरन मिल, आयरन मिल है, या कैसे उसने अपनी स्ट्रेंथ गैदर करी, या कैसे उसको लगा कि मेरे अभी भी यू नो ही हैड होप, कैसे अभी भी वो आगे जा सकता है, इस चीज पर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, बट नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज. तो जो आयरन वर्क्स था जो कि बंद हो चुका है, नॉट सो लॉन्ग अगो एक लार्ज प्लांट था जहां पर मिल, फॉर्ज, भट्टी, हीटिंग डिवाइसेस, इस तरह की चीजें होती थी. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइंस ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउट्स स्लिड डाउन द कैनल. तो समर टाइम में क्या होता है, बहुत हेवी हेवी बार्जेस जो लोहे के आते हैं वहां पर, और कैनल में सारा उसका जो बचा खुचा जो भी मटेरियल होता है वो सब बह जाता है. विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी सी वहां पर लेक थी, उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, क्योंकि वहां बर्फ है, पानी तो है नहीं विंटर्स में, तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, जो भी कोल्ड डस्ट वहां पर इकट्ठी होती थी, विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़े बड़े चारकोल के क्रेट्स होते थे, उनसे गिर गिर के जो उसका डस्ट पार्टिकल्स होते थे वो वहीं इकट्ठे हो जाते थे. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस. फर्नेस आपको पता है किसे कहते हैं, हीटिंग डिवाइस, या जहां पर हीटअप किया जाता है चीजों को. तो उस भट्टी में मास्टर स्मिथ और जो उनका हेल्पर था वो बैठे थे डार्क फॉर्ज, वेटिंग फॉर पिग आयरन
विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे फायर में डाला जाना था पिग आयरन को. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एनविल क्या होता है, एनविल वो एक बिग सा जिसके ऊपर लोहे को रख के उसको तोड़ा जाता है हैमर स्ट्रोक के थ्रू, दैट इज एनविल. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मैस विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन. दो As was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो फर्नेस में काम कर रहे हैं, चिंगारी आने का डर होता है जो आसपास से, तो वुडन शूज पहन के ये लोग मूव करते हैं, हीट भी नहीं फील होती पैरों में और लॉन्ग शर्ट इन्होंने पहनी होती है. ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, हर समय आप बहुत सारे आवाजें आप वहां सुन सकते हो. बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, कभी आपने अगर अंगीठी जलती हुई देखी हो तो कोयले के क्रैक होने की आवाज आती है, ये वो आवाजें हैं. फायर बॉय अलग से होता है जो चारकोल को डालता है उस मॉ फर्नेस में, उस छोटा सा एक वो बनाया जाता है माउथ ऑफ फर्नेस, जिसके थ्रू चीजों को उनमें डाला जाता है भट्टी में, जो जिसको भी हमने हीट अप करना होता है. सो बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक, द फायर बॉय शॉवल चारकोल इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेस with a great deal of clatter, तो बहुत noise के साथ. Outside roared the waterfall, बाहर waterfall की आवाज आ रही है और आवाज भी छोटी मोटी नहीं है, roared word यहाँ पर mention है, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tile roof, और तेज से हवाएं आ रही हैं जो कि brick tile roof की यहाँ पे बात हो रही है, meaning कि वो जो छत है वो brick से बनी हुई है और वहां पर ये तेज तेज हवाएं आ रही हैं. विप द रेन, जैसे विप्लैश होता है ना हंटर की आवाज टाइप, उस तरह से. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज. तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने फोर्ज का, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता रखा है कि क्या चीज आपके किस तरह से मैनेज होती है और किस तरह से फर्नेस उसकी अरेंज की जाती है, कैसे जो ये पर्सन है लाइक पिग आयरन को बनाने का जो काम है या चारकोल वगैरह के थ्रू कैसा हो रहा है, ये उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है. यूजुअली ये कभी पूछा नहीं गया, इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा बोर्ड में इस क्वेश्चन को आते हुए, स्टिल आप इसका थोड़ा बहुत अंदाजा रख सकते हो कि क्या क्या इसमें से आ सकता है. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब शायद इन्हीं सब आवाजों के चलते ये चीज नहीं पहचान पाया वो कि कोई आया है फॉर्ज के अंदर. और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं पहचाना, तो इन आवाजों की बात आप कर सकते हैं कि कैसे फायर बॉय अपना काम कर रहा है क्लैटरिंग नॉइज के साथ, कैसे नॉर्थ विंड जो है वो विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, कैसे रोरिंग साउंड ऑफ वॉटरफॉल है, ये आप कर सकते हो. सो ब्लैक स्मिथ डिडंट नोटिस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ब्लैक स्मिथ जो काम करता है आयरन का डिडंट नोटिस बिकॉज ऑफ These sounds, इन sounds की वजह से वो नहीं notice कर पाया. ठीक है, ये question पूछा जा सकता है आपसे. अब है until he stood close up to the furnace, एकदम furnace के पास नहीं आ गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of forge. तो यहां पर उन्हें क्या लगा, ब्लैकस्मिथ को अनयूजुअल नहीं लगा किसी पुअर वेगाबॉन का आना. क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा कि एक फर्नेस से अच्छी जगह क्या हो सकती है एक कोल्ड नाइट में टाइम स्पेंड करने की, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स, और अपने आप को वार्म करने के लिए ये पर्सन आया होगा इन फ्रंट ऑफ द फायर. तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन आएगा कि जो ब्लैकस्मिथ का रिएक्शन था
वो इतना कूल क्यों था, ठीक है, या उसने कुछ भी खास रिएक्शन क्यों नहीं दिया, वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसका रीजन आपको मैंने यहाँ पे दे दिया कि बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर है और उसके अलावा अपने आप को वार्म अप करने के लिए इससे बेस्ट प्लेस कोई भी नहीं मिल सकता। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। अब इसका अपियरेंस क्या था, लॉन्ग बियर्ड, संकिन चीख वगैरह तो आपको पता ही है, पहले आपने पढ़े हैं, डर्टी रैग, फटे पुराने कपड़े और रैट ट्रैप्स के बंच उसके गले में लटके हुए हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट। हॉटी कंसेंट का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा वेग सा रिप्लाई हो कि ठीक है रुको, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। कोई ग्रीट नहीं किया एक दूसरे को, कोई बात नहीं कही, सिंपल उसने पूछा रुक जाओ यहाँ पे, इसने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है और वो वहां पर रुक गया। The tramp did not say anything. अब यहाँ पर एक जगह उसको wanderer, एक जगह rat trap peddler, एक जगह tramp. Again tramp का meaning क्या है, जो ऐसे घूमते फिरते कोई भी आ जाए। He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. वो वहाँ वैसे भी बातों के लिए तो आया नहीं था, उसे अपने आप को warm up करना था और उसे सोना था, क्योंकि बहुत tired to death था, आपने पीछे पढ़ा भी है, इतना deadly tired था कि उसको अब नींद आ रही थी और वो वहाँ पे सो गया। In those days, The Rancho Iron Mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों में जो इस iron mill का जो owner था वो एक बहुत ही prominent iron master था, जिसका greatest ambition क्या था, to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो जहां भी characters के चाहे iron master का, आप उसके बारे में यहाँ पे ये mention कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी quality है उसके अंदर being an employer, कि वो dependent नहीं होता अपने employees पे और वो कभी भी किसी भी टाइम पर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच जाता है। ये एक बहुत अच्छा साइन था उसके एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, और वो एम्बिशंस क्या थे कि उसे अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट में लेके आना है, वो अपने सर्वेंट्स पे या अपने एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट नहीं होता था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन हु हैड रीच्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। अब उसका रिएक्शन मास्टर स्मिथ की तरह तो होने वाला नहीं था, क्योंकि जगह मास्टर स्मिथ की तो थी नहीं, ये ओनर है, इनको चिंता है मेरी प्रमिसेस में कौन आया कौन नहीं आया, मुझे पता होना चाहिए। इन्होंने ना उसके वेट रैग्स, गीले कपड़ों से स्टीम उठती हुई सी देखी, और आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ मतलब यहां पर उन्होंने इग्नोर नहीं किया उसकी प्रेजेंस को, ठीक है, वो गए और देखा ये पर्सन कौन है, तो ही डिडंट इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ रैट ट्रैप पेडलर, या ट्रैम्प लिख देती हूं आप समझ जाना। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, वो उसके पास बैठा, उसको बहुत अच्छे से वॉच किया, देन टोल ऑफ हिज स्लाउच हैट, वो एक हैट पहनता था उसको पीछे हटा के, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि इसको उसके चेहरे का अच्छे से अच्छा व्यू मिल सके। इसने बहुत अच्छे से उसकी तरफ देखा और एकदम से क्या बोला, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स द लॉ, ओहो ये तो तुम हो नील्स द लॉ। इसने क्या मिसअंडरस्टैंड किया उसको, एक अपना ओल्ड यू नो नोन वन, ठीक है। ही सेड हाउ यू डू लुक, मतलब क्या क्या हो गया है तुम्हें, कैसे दिखते हो तुम। The man with the rat traps had never before seen the iron master at the Rancho. अब ये जो person था rat trap peddler, इसने कभी भी इस iron master को नहीं देखा and did not even know what his name was. और उसको तो इसका नाम भी नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। But it occurred to him, उसे समझ आया क्या कि ये जो gentleman है ये पेडलर को अपना कोई पुराना एक्वेंटेंस समझ रहा है, नोन वन, जो जानता पहचानता होगा, अच्छी कंडीशन में होगा, ये लोग काफी टाइम से मिले नहीं,
अब आयरन मास्टर सोच रहा है कि मेरे उस नोन वन की कंडीशन जो है वो बहुत वर्स्ट हो गई है, अब वो रैट रैट बेचता है। ये तो वो है नहीं, इसे पता है कि मैं तो वो नहीं हूं जो ये मुझे समझ रहा है। तो बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर। अब बेट के चक्कर में फंसा, 30 तो है ही उसके पास, उसे लगा एक दो क्रॉनर और मिल जाएंगे। इस चक्कर में ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। तो ये बहुत आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, बहुत ही आयरॉनिकल कि ऑलरेडी वो उसको डिसीव कर रहा है लेकिन उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, मतलब धोखे में नहीं, इस धोखे से पीछे नहीं कराना चाहता था। और उसने सोचा कि भाई ये कपल ऑफ प्रॉनर जो हैं ये मुझे मिल जाए और शायद मुझ पे दया खा के दे दे कुछ ऐसा, और मैं और मेरा कुछ बन जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तो इसने आगे से वैसा ही बिहेव किया, इसने कहा यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या हुआ है नीचे। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब ये यहां से पता चलता है कि जो आयरन मास्टर है अभी पहले की आर्मी में थे, इन्होंने कहा तुम्हें ना रिजाइन नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस समय भी सर्विस में होता इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ये नहीं हुआ होता। Will now, of course, you will come home with me. अब तुम मेरे साथ घर चलो। Up to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. अब इसके घर जाना manor house और वहां जाके regimental comrade जैसा owner को receive करना, वहां जाके तो इसे पता था यहाँ तो डिम लाइट है इसलिए थोड़ा सा रिजेम्बलेंस के चक्कर में मुझे मान रहा है वो चीज, घर जाऊंगा तो इसे तो पता चल ही जाएगा कि मैं वो नहीं हूं, फिर तो ये मुझे कपल ऑफ क्रॉनर क्या मिलने हैं, मैं और ही जेल में डल जाऊंगा। तो ये सोच के उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप सिंपली उसको लिख सकते हैं ताकि उसको लगा कि कहीं उसका सीक्रेट आउट ना हो जाए। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. अब एकदम से अलार्म होके उसने कहा नहीं 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 मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए, इसको 30 क्रॉनर्स का ध्यान आया, टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन, कि भाई मैं उसके यहाँ जाऊं तो सीधे सीधे ये तो लायन की डेन में एंटर होने वाली बात है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. इतने चुपचाप वहां से निकल जाएगा जैसे किसी को पता ही ना चले और बिना किसी को बॉदर किए डिस्टर्ब किए ये बस सो के वहां से चला जाएगा। आयरन मास्टर को ये लगा कि शायद ये अपनी मिजरेबल क्लोथिंग्स की वजह से एम्बैरस फील कर रहा है इसलिए शायद ये घर नहीं चलना चाहता। तो उसने इसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्या कहा, देखो इसका आप ये कर लो कि उसके मन में ये चीज आई और इसको ये लगा मैं लायन डेन में तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, और वो सिर्फ सोना चाहता है। तो इसने कहा Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. देखो तुम ये मत सोचो कि मेरा कोई बहुत शानदार सा घर है कि तुम इन कपड़ों में वहां नहीं आ सकते। Elizabeth मर चुकी है। Elizabeth कौन है? Wife of Maynard. That means जो Iron Master है। As you may already have heard, कि तुम्हें पता चला ही होगा कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई। मेरे जो बॉयज हैं वो अब अब्रॉड रहते हैं। There is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरी सबसे बड़ी बिटिया और मैं, बस हम दोनों रहते हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और हम सोच ही रहे थे कि बताओ क्रिसमस आने वाली है हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो तुम चलो घर और मिलकर क्रिसमस फूड एंजॉय करेंगे। But the stranger said no and no and again no. The iron master saw that he must give in. तो बार बार मना करता रहा, आपको तो पता है क्यों मना कर रहा है। आयरन मास्टर को लगा कोई चांस नहीं है, ये घर नहीं जाएगा। सो आज के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, साथ ही साथ अभी तक आपने देखा होगा हम हर बार डायरी का कोई ना कोई टास्क आपको जरूर देते हैं। इसमें अभी तक हमने आपको कोई डायरी टास्क नहीं दिया। ऑब्वियसली जहां पर आपने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्लाइड में ये चीज रीड की थी कि किस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता इनकी लाइफ कितनी सैड है, मोनोटोनस है,
और किस तरह से ये लोग अकेले अपनी लाइफ में आगे चलते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जिन्हें हम समझते हैं तो बेकार है, बेकार ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं हम कि ओके, डू नॉट जज एनीवन, और किसी पे हंसने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी एक लाइन ऑफ जर्नी है, अगर वो चल रहा है, हमें नहीं पता कौन किस प्रोसेस से गुजर रहा है, तो अपने आप का सेल्फ चेक। हम कुछ ऐसे काम तो नहीं करते जिससे किसी की लाइफ और ज्यादा उसको बर्डनाइज फील हो। दूसरी चीज, हम यहाँ पर एक ग्रैटिट्यूड तो लिखेंगे ही, एक लेसन जो आपको यहाँ पे मिला हो, लेसन इस बात पे लिख सकते हैं कि किसी ने किसी को इतना ट्रस्ट किया कि उसने उसके ट्रस्ट को ब्रेक किया। जैसे यहाँ क्रॉफ्टर का ट्रस्ट ब्रेक किया किसने, पेडलर ने। क्या हमने कभी ऐसा कोई एक्ट किया है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट हो, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स का हो, फ्रेंड्स का हो, टीचर्स का हो, कहीं का भी हो, तो अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्ट करना है आज की रात आपने डायरी में, जिसमें आप खुद से ये एनालिसिस करोगे अपने ऊपर कि कहीं कोई ऐसा कोई बात तो नहीं है या पर्सन तो नहीं है जिसके ट्रस्ट का हम फायदा उठा रहे हैं और हम अपनी स्मार्टनेस पे खुश हो रहे हैं। तो ये एक क्रॉस चेक है जो आज हम करेंगे। ओके, सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।